हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिला। इस शिष्टमंडल में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा के अतिरिक्त सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी भी मौजूद थे। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष सितंबर माह के अंत में आई वर्षा के कारण धान, बाजरा व कपास की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा तुरंत देने की मांग की। इसके अतिरिक्त प्रदेश के हालात, विशेषकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल व चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद बंद करने संबंधी कई जनहित के मामले उठाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने वही मुद्दे उठाए हैं जिस पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, सुने पल पल की चंडीगढ़ से यह विशेष रिपोर्ट। देखिए, उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा था, हमने उनको एक समय दिया था और जो विषय वर्तमान में हमारे कंसर्न के हैं, जिसके ऊपर हम पहले से काम कर रहे हैं, उन्हीं विषयों पर उन्होंने भी ध्यान कराया है, ध्यान आकर्षित किया है। विशेष तौर पर जैसे बेमौसमी बरसात हुई, तो उस बेमौसमी बरसात के समय खेतों में जो पानी भरा था, हमारा डी वाटरिंग का सिस्टम चल रहा है। मैंने स्वयं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 जिलों के डीसीज को और जो विभाग हैं उनकी सबकी मीटिंग लेकर के उस काम को तेज़ी में हमने लाया था और यही विषय उन्होंने ध्यान कराया। उनको हमने बता दिया कि काम ठीक सुचारू चल रहा है, फिर भी कोई सुझाव उनकी ओर से अगर है तो उसको और हम ध्यान करेंगे। तो एक तो डी वाटरिंग का जल्दी जल्दी हो जाए, हमने उनको बता दिया 31 अक्टूबर तक प्रायः सभी खेतों में जहाँ पानी खड़ा है उसको डी वाटरिंग का काम पूरा हो जाएगा, ताकि किसान जो है आगे अपनी फसल जो है उसको बो सके। दूसरा विषय जो था वो मंडियों में, चूँकि आजकल प्रोक्योरमेंट चल रहा है, उस विषय में भी धान की प्रोक्योरमेंट का, बाजरा की प्रोक्योरमेंट का ये विषय थे, वो सुचारू ढंग से चल रहे हैं। कहीं कहीं जो धान की प्रोक्योरमेंट में मिलर्स की कुछ शिकायतें, वो हमारे ध्यान में पहले से हैं, हमने उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई भी है। बाद में परचेज प्रोक्योरमेंट पूरी होने के बाद एक बार फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी कराएंगे और जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और धान की प्रोक्योरमेंट और बाजरे की प्रोक्योरमेंट हमारी बिल्कुल सही चल रही है, ठीक चल रही है। जो रजिस्टर्ड किसान हैं जिन्होंने बाजरा बोया था, उनका एक एक दिन का सब हिसाब हम रख रहे हैं और सबका जो बाजरा है वो 1950 रुपये के ऊपर खरीदा जा रहा है। जो खरीद होती है उसमें जितनी कमी होती है जे फॉर्म और 1950 रुपये का जो अंतर होता है, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत हम पहले से दे रहे हैं। तीसरा विषय उन्होंने जो रखा था वो रोडवेज की जो कर्मचारियों की स्ट्राइक है, जो उसके ऊपर हमारी लगातार बातचीत भी चल रही है, जैसा कल भी हमने उनको बुला करके बातचीत की और अभी तक जो सहमति बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है। उसमें जो कठिनाइयां हैं वो हमने सब उनको बताई हैं। उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि जो यूनियंस होती हैं वो जो वर्तमान कर्मचारी होते हैं उनके हित की बात उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो कर्मचारियों की ही यूनियन होती हैं। सरकार की जो पॉलिसीज नई किसी विषय में होती हैं उसमें उसका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, जनहित में जो कोई नई पॉलिसी बनाने का अधिकार सरकार को है उसको पूरा करेंगे। और ख़ास करके जो बसें ली जा रही हैं, अभी 700 बसें, वो 700 बसें रोडवेज उनको संचालित करेगी, वो कोई प्राइवेट परमिट नहीं दिए जा रहे हैं उनको। और रोडवेज अगर संचालित करेगी तो किराया रोडवेज का होगा, टैक्स भी जो सरकार रोडवेज से लेती है वो उनसे लिया जाएगा। केवल उनको उनकी बसों का जो खर्च है वो ऑक्शन के माध्यम से जो रेट उन्होंने तय किया उस ऑक्शन के माध्यम से वो रेट उनको दिया जाएगा। और वो भी जो सरकारी बसों का जितना रोडवेज का खर्चा आता है, आज की डेट में 47 रुपये से लेकर 54 रुपये तक का खर्च अलग अलग डिपो में आता है, जबकि इन्होंने जो ई ऑक्शन में हमको बसें दी हैं वो 31 रुपये से लेकर के 37 रुपये तक दी है। अर्थात 15-16 रुपये की बचत पर किलोमीटर इन बसों की हमको होगी। ये जनता का पैसा है तो जनहित में लगना चाहिए। तो रोडवेज घाटे से उभरे, उसमें से ये 16-17 रुपये किलोमीटर की अगर हम कम खर्च करके और रेवेन्यू पूरा प्राप्त करेंगे। इसमें एक विषय उनकी ओर से था कि जो सुविधाएं, जो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको सस्ते रेट पर कंसेशनल रेट्स के ऊपर किराए पर ट्रेवल करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ जो उनका किराया है,
उस पर जो ट्रैवल करते हैं उनको सुविधा, हमने बताया वो सब सुविधाएं जो रोडवेज मिलती हैं वो सब सुविधाएं इनमें भी मिलेंगी, क्योंकि ये रेवेन्यू सरकार का है, रेवेन्यू रोडवेज का है, ये रेवेन्यू प्राइवेट वालों का नहीं है। इसलिए एकदम स्पष्ट है कि प्राइवेट परमिट देने की बात नहीं है, बल्कि प्राइवेट बसों को रोडवेज चलाएगी और रोडवेज जो है उसी का एक प्रकार से संचालन सब रहेगा। ये सब विषय हमको बता दिए। और ये जो विषय है ये बाकी स्टेट्स में भी ऐसा है, केवल हरियाणा प्रांत ऐसा है जिसमें किलोमीटर स्कीम अभी तक हम नहीं लेके आए थे। ये पंजाब में है, ये हिमाचल में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये राजस्थान में है, ये उत्तराखंड में है, सब प्रांतों में, बल्कि हमारे यहाँ से महंगे रेट पर वो चल रही हैं। हमने उसमें सस्ते रेट पर ली हैं, उनसे भी ज़्यादा सस्ते रेट पर हमारी बसें आई हैं। उनका आरोप है कि गुजरात की कंपनियों को टेंडर दिए, कोई गुजरात की कंपनी नहीं है पहली बात, और दूसरी बात जब ओपन टेंडर होता है तो देश दुनिया से कहीं से भी कोई आ सकता है, ये ओपन टेंडर होते हैं। ओपन टेंडर में हमको तो सस्ता चाहिए, कोई अला करके दे, उसमें कोई सिद्ध करे कि हाँ इसके अंदर कहीं गलत किसी आदमी को लाभ पहुँचाया गया है, तो उसकी जिम्मेवारी है हमारी, और उसकी गलत कोई शिकायत आने के पहले उसकी जाँच कराएंगे, जाँच कराने के बाद यदि कोई गलत उसमें बात मिलती है तो उसको रद्द कराएंगे। पानी की जो निकासी का विषय था उसके ऊपर उनका एक सुझाव था, एक कमेटी बना दी जाए कि इस प्रकार का जब पानी भरता है तो इसका क्या निदान हो सकता है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है एमएलएज की, और उन एमएलएज की कमेटी के माध्यम से जो सुझाव आएंगे कि ये पानी जो भरता है, अब पानी तो क्योंकि नेचुरली जब बरसात आती है कहीं भरेगा तो उसकी निकासी का प्रबंध, जहाँ कहीं कोई कमी इस बार ध्यान में आती है तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, ये कमेटी बनाई। रोडवेज की हड़ताल की क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि आज 3 दिन के लिए और बढ़ा दी उन्होंने हड़ताल, और आम जनता परेशान। देखिए, आम जनता परेशान ना हो इसके लिए हमने जितनी भी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ सब की हैं, रोडवेज की बसों को चलाने के लिए भी जो जो ड्राइवर्स इस समय नई भर्ती में आ रहे हैं उन नई भर्ती के ड्राइवर्स को भी हम लगा रहे हैं। ईपीबीबी के जो 195 ड्राइवर जिनकी अभी नियुक्ति हुई है, जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, आज उनको अपॉइंटमेंट दे दी है, और इसी प्रकार से कंडक्टर्स भी जो हैं वो नई भर्ती निकाल दी है। 25 तारीख तक 10 साल के एक्सपीरियंस के जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, यानी जिनका 10 साल के जो ड्राइवर्स हैं जिनका पुराना लाइसेंस 10 साल पुराना है, और जो 10 साल पुराने ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन मांग ली गई है, और ये 25 तारीख के तुरंत बाद उनका नॉर्म्स तय करके उसका सिस्टम तय करके 26, 27, 28 में दो तरह वो बसें 700 बसें जो हों आएंगी, और उन 700 बसों को भी एक प्रकार से रोडवेज के बेड़े में डाला जा रहा है। ये एक स्पष्ट करने की बात है कि वो रोडवेज का ही बेड़ा है। रोडवेज की जो अभी तक जितनी भी बसें हैं उसमें 600-700 बसें और बढ़ जाएंगी। केवल खरीदने का काम सरकार करने के बजाय प्राइवेट वाले खरीद रहे हैं, और जो प्राइवेट अगर जो खरीदेगा, जिसने खरीदनी है बस, वो अपना खर्चा भी लगाएगा। वो टेंडर के ऊपर जितना हमको दे रहे हैं उसके कम्पिटिटिव टेंडर है, और कम्पिटिटिव टेंडर में किसी भी एक डिपो पर जितनी जरूरत होती है उतना ही टेंडर वो भर रहे हैं। अब कोई एक कंपनी भरे, दो भरे, तीन भरे, इसमें किसी भी व्यक्ति का पर्सनल कोई इसमें इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। ओपन टेंडर आज भी जो 200 बसों का बचा हुआ है, उस 200 बसों के कम्पिटिटिव रेट जो अभी आए हैं, यदि उसमें जो कम से कम रेट है 31 रुपये, उस पर देने के लिए अगर इनमें से भी कोई तैयार हो तो हम आज बिना टेंडर के भी लगाने के लिए तैयार हैं। यूनियन के नेताओं की मांग है कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री बातचीत करें तो कोई हल निकल सकता है। उसमें अंतर कोई नहीं है, सरकार के अधिकारी बात करें या मंत्री बात करें, मुख्यमंत्री बात करें, उन्होंने अगर बात करनी होगी तो मेरे पास मैसेज अगर उनका कोई सीधा सीधा आता है और किसी विषय पर, लेकिन एक जो उनकी शर्त है कि हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे, वो शर्त मान्य नहीं है। आज कुछ अधिकारियों को भी ट्रांसफर किए गए सर, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं, रूटीन के ट्रांसफर हैं, और ये दर्जनों ट्रांसफर हुए हैं।